मतलब 24 मिनट में ब्लिंकिट में सामान आ गया है। फुल एंजॉय। पहले हमें बड़ा डांटते थे, न्यू आर्टिस्ट आए हैं, फटाफट यहाँ लड़के से चटनी बनवाई जा रही है। गुड भी मंगवा ले नीचे। बहुत सुंदर से दो बर्ड्स लेके आया चीकू, अच्छा लग रहा है। हाँ, इनका नाम क्या रखे चीकू? छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 12:30 बजे, क्योंकि हम अभी उठे हैं सारे और यहाँ पे जो है सुबह की चाय आ चुकी है। और आज मैंने बनवाए हैं ब्रेकफास्ट आलू की सैंडविच, और आपके लिए स्पेशल बनवाया है आलू का परांठा, क्योंकि आपका 2-3 दिन पहले खाने का मन था ना। तो गाइज, कल ना मेरे फोन में गोलू ने ब्लिंकिट डाउनलोड किया था, तो मैंने ना आज कुछ सामान खत्म हो गया था, तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया है और सामान आ चुका है। मतलब 24 मिनट में ब्लिंकिट में सामान आ गया है यहाँ पे। और ये जो है पहले डला हुआ था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, इसकी पेमेंट भी हो गई। तो आज है संडे, और ये सारा सामान जो हम कल लेके आए थे ना, हमने कल ही रात को जो सेट कर दिया था, तो यहाँ पे कूड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। संडे की वजह से कूड़ा आज गया, नहीं तो कल जाएगा कूड़ा। तो नीचे ना अरवान जी दोबारा सो गए हैं, तो शोर ना, इसलिए मैं सबको लेके आ गई हूँ छत पे। थोड़ी धूप भी सेक लेंगे और छत पे मजे भी ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चल रही है फ्रूट पार्टी, फ्रूट मंगा लिया, सब लोग अब यहाँ पे बैठ के फ्रूट खा रहे हैं। चिकू फुल एंजॉय। छत का कितना फायदा है ना, ये अब पता लग रहा है हमें। जी मिलो, तो हमारा जिम्मी भी जो है ना वो एप्पल खाता है। देखो ले बेटा, छिलका उतार दिया क्योंकि इसके गले में ना फंस जाए। तो यहाँ पे जिम्मी की पेट पूजा करने के लिए भी आ गया है खाना। जिम्मी खाओ बेटा, बाबू इसके अंदर रोटी के अंदर कुछ नहीं है, इसकी ग्रेवी का है। तो बोल ना, मैं मंगा देती हूँ ग्रेवी। तो आज ना इतने टाइम बाद ना एकदम मस्त धूप ले रहे हैं हम, कितनी देर से ऊपर है लगा लो गाइस। अभी ना दोपहर के 4 बज गए हैं, हम लोग आए थे 2 बजे के करीब, 2 घंटे हो गए हैं, इतना मजा आ रहा है ना। तो अभी शांति को बोल दिया कि आज का जो खाना है ना वो भी ऊपर ही बनेगा, ऊपर ही बैठे रहेंगे जब तक धूप जाएगी नहीं। पायल जिम्मा को तो ऐसे सुलाए थे, चीकू को सुलाते हैं। तो गाइस ये है देसी खाना बनाने का पूरा तरीका, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है आलू जो है वो माइक्रोवेव में बॉइल कर लिए, क्योंकि आलू को कुकर में बॉइल करने से ना बहुत टाइम लगता है, इसलिए माइक्रोवेव में बॉइल कर दिया है। यहाँ पे दही को थोड़ा सा मैं फेटूंगी, इसको थोड़ा पतला करूंगी, क्योंकि इतने गाढ़े दही में ना फिर वो रायता ही बन जाएगा, पर हमें रायता नहीं बनाना है, हमें ऐसा लस्सी टाइप बनाना है, आलू वाला रायता टाइप। तो वो बहुत टेस्टी लगता है जब आप चटनी रोटी और ये खाते हो ना, बहुत टेस्टी लगता है। और ये मेरे हाथ की फेवरेट चटनी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, इसमें है लाल मिर्ची, टमाटर, और इसमें ना अभी लहसुन भूल गई थी शांति, तो लहसुन मंगाया। तो चटनी, रायता और रोटी खाएंगे बहुत मजे से। तो यहाँ पे लहसुन भी आ गया, लहसुन छील लेती हूँ, इसकी मेरे को 7-8 कलियाँ चाहिए। तो यहाँ पर ना मैं अपना दवाई वाला पाउच भी ले आई हूँ, मेरा पायल का, मैंने दवाई खा ली है, पायल की रह गई है, पायल भी खा लेगी। है पायल खा ली हो? गाइस कुछ नहीं करना, पहले इस दही को जो है वो पतला करना लस्सी की तरह, फिर उसमें हमारे उबले हुए आलू डालने हैं मैश करके। और इसमें अगर आप हल्का सा लहसुन का तड़का लगा दोगे ना, मजा आएगा। और ये चीकू पापा भी खाएंगे, इसलिए लहसुन का तड़का नहीं लगा सकते, लहसन की स्मेल रहती है। पहले हमें बड़ा डांटते थे लहसन की चटनी के लिए, है ना, हम हैदराबाद में खाते थे, ये बोलते थे तुमने फिर खा ली लहसन की चटनी, कितनी खाते थे ना। हाँ, नहीं जाती। तो इसमें ना अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ ऐड किया हमने इसमें नमक और लाल मिर्ची। अभी इसमें ना भुना हुआ जीरा डालना है गोलू, शांति नीचे से भूरा हुआ कह रही हो, भून के जीरा ले आई हो, ठीक है, पीस के है। तो यहाँ पे ना हमारा सिलबट्टा धो के आ गया, और यहाँ पे न्यू आर्टिस्ट आया है जो चटनी को बनाएंगे, वो है मिस्टर अरमान मलिक, हमारे टीम मेंबर्स। चाकू लग के आते रुको। तो ना अभी मिर्ची ना थोड़ी बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि ये लाल मिर्च पीसने में थोड़ी टाइट होती है ना, तो मैंने दही वाले कटोरे में इसको भिगो के रख दिया थोड़ी देर, 2-4 मिनट भीग जाएगी ना, फिर जो है अरमान जी से पीस देंगे। गोलू वैलेंटाइन्स वीक आ रहा है, मुझे नहीं लगता अरमान जी इस बार भी कोई मेहनत करेंगे हमारे लिए, मैं तो कहती हूँ हम भी कोई गिफ्ट नहीं देते हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग ना, उनको कुछ अच्छा सा गिफ्ट देते हैं, वो भी हमें हर साल कुछ ना कुछ थॉटफुल गिफ्ट देते हैं ना। मैं कल सोच रही थी कि क्या दे, तो फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, बियर्डो से ना उनके लिए ग्रूमिंग प्रोडक्ट लेते हैं, पर वो काफी महंगी नहीं होगी? अरे नहीं पायल, हम केक कैश से ऑर्डर करेंगे ना। अच्छा, वही कैशबैक ऐप जो तू यूज करती है? यस, एंड इसमें हमें काफी अच्छे कूपन एंड कैशबैक मिल जाएंगे। काम करती हूँ, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। देख, मैंने कैश ऐप ओपन कर लिया, अब मैं इस पर बियर्ड पे जाऊंगी, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि बियर्डो माफिया सेल पर 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। पायल देख, जैसे ही मैंने ऑफर पे क्लिक किया, मैं डायरेक्टली बियर्डो के साइट पे पहुँच गई, और जो किट बियर्डो पे 3200 की ना, वो हमें 1000 रूपए की मिल जाएगी। बियर्डो से 60% का पायल ऑफ मिला है, 300 रूपीज का कैश बैक मिलेगा केक कैश से, जो डायरेक्टली ना हमारे वॉलेट में आ जाएगा जैसे ही परचेज कम्प्लीट हो। कुछ 5-10 मिनट के अंदर ही अपनी सेल ट्रैक हो जाएगी, एंड कैश बैक
लैंडिंग स्टेज पे ऐड हो जाएगा। जब बियर्डो हमारी सेल कंफर्म करेंगे हमारा कैशबैक के कैश वॉलेट पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि तू देख अभी काफी शॉपिंग के कैश से करके मैंने अराउंड 5,000 रुपीज का कैशबैक अर्न किया है जो कि मैं तीन तरीके से अपने पास वापस मंगवा सकती हूँ, या तो यूपीआई के थ्रू, या तो पेटीएम वॉलेट के थ्रू, या तो बैंक ट्रांसफर के थ्रू। सो गाइज मुझे गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए केक कैश बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर बियर्डो के साथ साथ बहुत ही अच्छे ब्रांड्स है जैसे कि गेवा, शुगर, एचनमन और भी पॉपुलर ब्रांड्स। सो गाइज आप लोग भी इस बार गिफ्ट के बौछार कीजिए इस वैलेंटाइन्स डे अपने लव वंस के लिए एंड डोंट फॉरगेट टू यूज आवर रेफरल कोड FAMFIT20 जिससे आपको अपनी फर्स्ट परचेज पे 200 रुपीज का कैशबैक तो मिलेगा ही, साथ ही दोनों को लाइफ टाइम परचेज पे 20% कैश बैक ऑन एवरी ऑर्डर मिलता ही रहेगा। तो गाइस जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, केक कैश को डाउनलोड करो और अपनी शॉपिंग शुरू करो। तो गाइस यहाँ पर कार्यक्रम हो गया शुरू और अनुज कह रहा है कि भाई मैं बनाता हूँ, वहाँ पर आराम से बैठो। मैंने बोला चलो यार जब छोटा भाई है तो मैं मेहनत क्यों करूँ, है भाई? सही बात है ना, भैया ना बड़े एक्सपर्ट भी है। ओके बहुत एक्सपर्ट, आप देखना ऐसे एकदम टप फटाफट। चलो भैया कार्यक्रम शुरू करें। तो भैया अनुज के घर वाले देखेंगे कि लड़के को भेजा था मैनेजर की जॉब के लिए, यहाँ लड़के से चटनी बनवाई जा रही है। क्या कहते हैं कि तू दिखा खुश होते घर की, अच्छा लगता है, मतलब घर जैसे भी। तो घर ही तो है भैया, हम तो टीम को घर की तरह ही रखते हैं। तो आप कुछ कहना चाहो कृतिका मलिक? नहीं सही बात है भैया, चटनी बनाते हैं और हम साथ में सारे खाना खाते हैं। देखो हैरी भैया भी आए हुए हमारे, तो हैरी भैया हमारे डिजाइनर हैं, मतलब स्पेशली मेरे डिजाइनर हैं सारे, आजकल मेरे कपड़े वपड़े ये देखता है, 24 घंटे साथ ही रहता है लड़का। तो भाई शादी वाले जो व्लॉग था, प्रैंक था, उसको लेके सोशल मीडिया न्यूज चैनल ने ना धमाका कर रखा है। आप गूगल पे जाके देखोगे ना अरमान मलिक ने की थी शादी, उनको भी पता है मैंने शुरू में प्रैंक दिखाया था, पर क्या आता ना मीडिया को भी न्यूज चाहिए होती है और एक एंटरटेनमेंट ही रहता है हर चीज को लेके। और पायल का बहुत सारे डायलॉग है उसमें, कि एक डायलॉग तो ये वाला था कि मेरा जादू कहाँ गया है भाई। वो बहुत फेमस हुआ है, आप सभी को पता है, हम ऑन द स्पॉट जो भी हमारे डायलॉग डिलीवरी होती है वो ऑन द स्पॉट होती है, जो मुंह से निकल जाता है वो हम बोल देते हैं। एक वो भी हुआ था सेवा कराने के लिए, एक है तो है ना वाला, हाँ मेरी छाती पेपर लाके दर्दी, एक तो वो होता है, एक और तीसरा डायलॉग बता रही हूँ सेवा कराने के लिए, एक है तो कॉल ले आए। बड़ा लेके आना पड़ेगा पहले, छोटा है बहुत है ना, क्या चीज़ छोटा ना। हाँ और याद है आपको अमेज़न से मंगाया था मैंने 800 रुपए का आया था, वो जितना आया था ये चलो प्लेट जितना था, वो तो इतना सगा हाथ जितना जितना मेरा हाथ है ना गाइस इतना आया था, मार्बल का आया था, पर वो मार्बल का नहीं था इसी का था। तो यहाँ पर ना अपना जीरे का पाउडर डल गया है, तो गाइस चटनी और यहाँ पर दही रायता बन गया, और मुझे लगता है जो लोग ब्लॉग देख रहे होंगे ना उनके मुंह में जरूर पानी आएगा। एक बार कमेंट करके आप बताना, ये जो देसी खाना होता है लूडू, ये हर एक इंसान को, गुड़ भी मंगवा ले नीचे से, गुड़ गुड़ भी है। तो फाइनली गाइस 10 से 15 सेकंड के अंदर चटनी तैयार, या फिर एक मिनट लग जाएगा भाई, बस होने वाली है। तो इसके बाद वो नहीं और चटनी की नहीं होता ना, हां लस्सी में करके खाते हैं, देसी घी तला रखा तो खा ले, क्या कार्रवाई कर दी, बस अब रोटी आ जाए, बस बोल दी शांति बोल दी, हाँ, लक्ष्य का ध्यान ना चटनी की तरफ है, देखो 5 बज गए ना, देखो शाम के 5 बज गए। तो गाइज यहाँ पे राजमा चावल और रायता, अभी चटनी नहीं आई है, मैं तो रायता ग्लास में पीऊंगी साथ में चटनी। तो आज लास्ट डे है हमारा बेड पे खाने का, आज हमारा जो है डाइनिंग टेबल आ जाएगा, तो इस डाइनिंग टेबल को हम लोग वहाँ पे लगा देंगे शोकेस के पास। तो गाइज खाना वाना एकदम डन हो गया और आज ना 6 बज गए, हमने इतना लेट लंच करा, मजा आ गया चटनी खा के साथ में रोटी और रायता, एकदम पेट भर चुका है। और आप भी आ गए थोड़े, सोचो आप भी। तो गाइज मैं आपको 2 दिन से कह रही थी ना कि अल्ट्रासाउंड पे जाना है, अल्ट्रासाउंड पे जाना है, तो आज संडे था तो मैंने पता करा जहाँ पे मुझे जाना था ना वो क्लोज है, तो कल मैं जाऊंगी अपने अल्ट्रासाउंड के लिए, साथ ही साथ मुझे प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन भी लगेगा, वो भी लगवा लूंगी। तो यहाँ पे चल रही है डिनर की तैयारी, यहाँ पे आटा गूंद रही है शांति, और हमेशा ना वो शांति थोड़ा नमक तेज कर रही हो, कम है तो रोटी में ना नमक कम डालती है, हम ना रोटी में नमक ज्यादा खाते। और यहाँ पे बन रही है आलू गोभी शाम के लिए, क्योंकि चटनी बनाई थी, चटनी और आलू बनाया था तो खा के मजा आ गया था, तो अभी आलू गोभी बना रहे हैं। और यहाँ पे पूजा के बर्तन जो है वो साफ हो रहे हैं, क्योंकि गोलू ने शावर लिया, अभी वो पूजा करेगी। और गाइस यहाँ पे ना बहुत सुंदर से 2 बर्ड्स लेके आया है, चीकू, आज चीकू गया था जिम्मी को नहलाने, तो उसको ये बर्ड्स बहुत पसंद आ गए, वो ले आया। और हमारे जिम्मी की आज होगी फुल ग्रूमिंग, तो यहाँ छुप के बैठा हुआ है जिम्मी, अच्छा लग रहा है अब। और गाइस जो हम होम सेंटर से सामान लेके आए थे ना, तो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती ये हो गई कि मैंने ना दोनों बुराना देखो वाले ले लिए, तो बुराना सुनो वाला है ही नहीं इसमें, तो ये 2 सेम आ गए। यहाँ पे छिपकली थी ना, अब थोड़ी है, मैं दूध
दिन से सुबह वो कर रही हूँ पूजा, कुछ नहीं है। वो ज्यादा डर डर के पूजा कर रही हूँ, कब से देख रही हूँ कि छिपकली दिख नहीं रही। मुझे लक्ष्य ने डरा दिया था कि दीदी पीछे मत जाना, बहुत मोटी काली छिपकली है। कुछ नहीं है, मैंने भी तो दो दिन पूजा करी है, सुबह सुबह कुछ नहीं होता। तो ये तो देख रही है पाल, किसी के साथ निकल लेते हैं। देख 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 देख, ये लड़का ना, ये चीकू इसको उठाइयो बेटा, ये जा रहा था भैया के साथ। पायल चाय पिएगी? हाँ चाय पी, बोल दो। ठीक है, रोली को बोलिए उसका कोई कपड़ा पड़ा हो तो उसके कपड़े चेंज कर लेंगे, कीचड़ लगा के आया। कहाँ पे चीकू? यहाँ पे। हाँ कीचड़ लग गया, ठीक है बेटा बोलती हूँ। पायल जो तूने आलू मंगवाए थे कितना सही है, इसके साथ छोटे आलू फ्री मिले। फ्री नहीं मिले, आलू मैंने मंगाए हैं दम आलू बनाने के लिए। फ्री में नहीं है, मैंने दम आलू काफी टाइम से बनाए ने ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हैदराबाद में पायल ने एक बार दम आलू बनाए थे, ठीक है, वो इतने से बने थे, इतने टेस्टी बने थे, हम सब लड़ रहे थे, मतलब सबके नसीब में, हम बहुत सारे लोग रहते थे वहाँ पे, सबके नसीब में दो दो आलू मिली थी, है ना पायल? उसके लिए वही वाला सेम बनाए, वो दम आलू की रेसिपी भी दी हो, कल ही बना दे, कल बनाती हूँ, आज तो आलू भी बन गए। चीकू मम्मी बहुत टेस्टी दम आलू बनाए, आपको याद है हैदराबाद वाले? हाँ। कैसे थे बताओ? चीकू बहुत अच्छी चॉइस है आपकी, बहुत प्यारे से क्यूट से है ना। हाँ, इनका नाम क्या रखे चीकू? टाइगर, सुना टाइगर, लड़की को क्या बोलते हैं? टाइगर, टाइगर, टाइगर से तो बोलते हैं। तो यहाँ पर ना राहुल ना जिम्मी का भी खाना बना रहे हैं और जिम्मी भी साथ में हमारे साथ बैठा हुआ है। तो राहुल इसका मैं बोली आई थी इसका ग्रेवी, ठीक है। तो गाइस ये वाला जो फूड है ना जिम्मी का बहुत फेवरेट है, मतलब इस खाने के साथ ना ये लड़का रोटी खा लेता है, अगर वैसे रोटी दो ना तो नहीं खाता, बट इसमें थोड़ा सा चिकन हो जाता है ना, इसको टेस्ट आता है अच्छा। तो यहाँ पर ना चीकू की स्कूल की यूनिफॉर्म भी आ गई है, कल मॉर्निंग है, सॉरी कल मंडे है, तो इसको स्कूल जाना है तो पहले मंगवा ली। तो यहाँ पे चीकू ने ड्राइंग रूम को बना दिया मूवी थिएटर, और ये वाली मूवी ना पहले देख रखी है, जो ये देख रहा है मैंने देखी है बेटा, ये मैंने देखी है चीकू, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है ये, बहुत अच्छी मूवी है ये। और यहाँ पे जो है ना चाय भी आ चुकी है शाम की, तो चाय पी लेते हैं और मैं सोच रही हूँ आज यहीं सो जाते हैं, क्योंकि अरमान जी की तबीयत थोड़ी डाउन डाउन है, सुबह से मास्टर बेडरूम में सो रहे हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो गाइस बस अब हम लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि सुबह जाना चीकू को स्कूल। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।